हमने भुज का भूकंप देखा मान्यवर, हमने तमिलनाडु की सुनामी देखी मान्यवर, हमने उत्तराखंड की आपदा देखी मान्यवर, हमने हमने जम्मू कश्मीर की आपदा देखी, हमने उड़ीसा के तूफान देखे, हमने असम के बाढ़ देखे, हमने बिहार के बाढ़ देखे, हमने कई क्षेत्रों में सूखा देखा मान्यवर। और यह सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं हुई। बाढ़ और आपदाएं, बाढ़ और सूखा हो गई इस देश के अंदर। सत्ता के लोग, चंद अधिकारी, बाढ़ के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है, सूखा के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है, इन समस्याओं के अस्थाई समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जाती। विकास की अंधी दौड़, पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी के नाम पर ग्रीन गैस का उत्सर्जन आज बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है मान्यवर। और इसके भुक्तभोगी सिर्फ भारत देश ही नहीं है, यूरोप के देश, अमेरिका, दुनिया के तमाम अपने आप को कहने वाले विकसित देश, वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीड़ित देश है मान्यवर। वो नजरअंदाज कर रहे हैं, वो इन समस्याओं को बार बार समझौता करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन गैस उत्सर्जन के मामले में भारत की भागीदारी तो मात्र 3% है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, दुनिया के तथाकथित विकसित देश, वो इस पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बड़े तौर पर जिम्मेदार है। 1956 के बाद अक्टूबर 2022 में भारत में सबसे अधिक वर्षा हुई। 1901 के बाद भारत का 8वां सबसे गर्म सितंबर 2022 का रहा, 11वां सबसे गर्म अगस्त 2022 का रहा, 121 वर्ष के बाद सबसे गर्म जुलाई 2022 की रही, 3रा सबसे गर्म अप्रैल 2022 का रहा, और अब तक का सबसे गर्म मार्च हम लोगों ने देखा। मान्यवर, 2018 से 20 के बीच की एक रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि 3 साल के अंदर बाढ़ के कारण 59,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान देश को हुआ। इस आंकड़े में फसलों, घरों, सार्वजनिक संपत्तियों की तमाम क्षति जो हुई उसका आकलन करके बताया गया, और यह लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट है कि 59,000 करोड़ का नुकसान हमको झेलना पड़ा। एक पराली की समस्या का जिक्र बार बार होता है मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे, हर साल 1 महीने तक टीवी चैनल्स पे, सदन के अंदर, बाहर, हर जगह एक ही चर्चा होती है, किसानों की पराली के कारण प्रदूषण खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। सच्चाई ये नहीं मान्यवर। एक रिपोर्ट आई कि मात्र 6% पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, मात्र 6%, 94% अलग सोर्स और कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। लेकिन किसानों को दंडित करना इसका समाधान नहीं है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2,500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाए, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1,500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे, तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं, उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, उसका भी समाधान हम लोग पा सकते हैं। नमामि गंगे मिशन पर जिस प्रकार से लखनऊ के, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मान्यवर, वो बहुत चिंताजनक है। और उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे योजना में खर्च की जाने वाली रकम आंख में झोंकने का कार्य है, इसके ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।